सादिया जी आ रही है। अब दो ही आएगा बात। यस सर आ रही है। ठीक है फिलहाल हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना। यस सर स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स की कोई सही रिस्पांस नहीं आ रही है, ग्रुप में मैसेज किया था तो ठीक है। बाकी हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं हमेशा की तरह, पहले रिवीजन फिर अपना टेक्स्ट आगे बढ़ेगा। लेकिन एक्टिविटी करनी थी हमने, हमारी एक्टिविटी कल नहीं हुई है तो दोबारा हम एक दफा चैप्टर 5 का टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 एक दफा दोबारा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है यस सर। चले जी, ये टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 में जो न्यू वर्ड्स हैं उनमें कोई मसला तो नहीं है किसी को? नो। आप दोनों को? कायनात सर वो जो पहले वाला डॉटर जिसका मींस है उस वो बता दें एक दफा। कौन सा डॉटर जिसका मीन है सर? नी ये ऐसे था, नी और ऐसे करके था कुछ। नी क्या सर? यू आर हमने जो यू पढ़ा था ना, यू के ऊपर जो दो डॉट्स वाला, यस सर वो वाला साउंड इधर काम आ रहा है। न्यू ईयर सही है। ठीक है आप सही जा रही हैं, थोड़ी सी बस कमी है अभी। चलो जी दोबारा ऊपर टेक्स्ट 1 की तरफ आ जाए, इसमें सिर्फ रीडिंग में मसला होगी, बाकी आप लोगों को मतलब कोई सामने से बोले तो आप लोग समझ सकते हो yes, sir, कि वो बंदा ये बोल रहा है, बंदा ये बोलना चाह रहा है, समझ तो सकते हो, ये काफी है। yes, चले जी और टेक्स्ट 1 में मसला किसी को न्यू वर्ड्स में? टेक्स्ट 1 में जो 3 वाला है खो, इसकी मीनिंग क्या बताई थी मैंने कल? हैव नहीं, थर्ड वाला नहीं सॉरी माउथ। और दूसरे यूजेस क्या थी इसके? जी? दो इस्तेमाल थे ना उसके, एक तो मीनिंग बताई थी और इसको यूज किस तरह करना था फैमिली मेंबर के लिए। गुड ओके दो उसके बाद आ जाएं। दोबारा मैं एक दफा रीड कर रहा हूँ। yes, कन वो तू नीचे यो ची खोरन हाउ गुड सही जा रहा हूँ। मीनिंग क्या हो गई इसकी? सर इसका मतलब था हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन। गुड नेक्स्ट आ जाए उसके जो आंसर है, आंसर किस तरह होगा? आप अभी क्लास में आई है तो हम ये रिवीजन कर रहे हैं इस टाइम। नहीं मैं तो कम से हूँ। नहीं अभी कौन आया रिसेंटली? राबिया। हाँ सॉरी राबिया भी आई मेरे ख्याल से। राबिया आपको आवाज आ रही है मेरी? तो हम रिवीजन कर रहे हैं इस टाइम, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसकी रिवीजन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है दोबारा एक दफा पढ़ रहा हूँ मैं। चले जी कन वो तू नीचा यो ची खोरन नीचा यो ची खोरन ची खोरन ची खोरन आंसर होगी वो चा यू सन कोरन। राबिया इसकी मीनिंग क्या होगी? वो चा यू सन कोरन देयर आर 3 पीपल इन द फैमिली। गुड जबरदस्त। चले जी नेक्स्ट आ जाएं। टेक्स्ट 2 में क्या था? टेक्स्ट 2 भी पढ़ा था मेरे ख्याल से हमने कल। जी पढ़ा। चले जी इसकी भी एक दफा रिवीजन करते हैं, उसके बाद 4 बंदे हो गए हमारे पास एक्टिविटी के लिए, काफी हैं।
चल जिकन वो तू हाउ द नी नी अर ची सुई ला नी नी अर ची सुई ला ची सुई ला अर ची सुई ला ची सुई ला ची सुई ला नी नी अर ची सुई ला You are. Good. Meaning क्या होगी इसके? How old is your daughter? How old is your daughter? Good. तो answer किस तरह होगी इसकी? कौन हो तू? How the? एक क्वेश्चन उससे पहले. ये जो था है, ये कौन सा वाला था? मीनिंग आती है इसकी आप सबको जी क्या होती है क्या होती है फोर इयर्स गुड एक काम करते हैं टेक्स्ट थ्री भी पढ़ते हैं उसके बाद मिलके तीनों टेक्स्ट की जो है ना एक्टिविटी करेंगे ठीक है उसके बाद एक्टिविटी होगी एक्टिविटी के बाद फिर हमने नंबर्स पढ़ने हैं 1 से लेके 10 तक ठीक है चलो जी हमेशा की तरह पहले न्यू वर्ड्स और फिर हमारा टेक्स्ट ठीक है चलो जी न्यू वर्ड्स की तरफ देखें पहला वाला जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इस टाइम तो और ऊपर जो हमने एक ये पढ़ा था याद है आप लोगों को सेकंड टेक्स्ट में जी इन दोनों की मीनिंग सेम है लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में ये जो नहीं है वो लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड काउंटिंग के लिए यूज होती है लिमिटेड नंबर्स के लिए जैसे 10 से नीचे 10 से नीचे जितने भी हैं उम्र के लिहाज से या कोई और चीज हो काउंटिंग में 10 से जो नीचे हो उसमें मोस्टली ची लगता है और जो तो मतलब ज्यादा हो उसकी लिमिट ज्यादा हो नंबर ऑफ फिगर्स ज्यादा हो उस टाइम तो लगता है 10 से ज्यादा हो तो हाँ 10 से ज्यादा हो तो उसमें तो लगता है ठीक है समझ में आ रही मेरी बात जी आ रही गुड तो गुड सिंपल मीनिंग है 10 से ऊपर हो मतलब अनकाउंटेबल जितना भी हो उसके लिए तो लगता है और जो लिमिटेड हो काउंटेबल हो उसमें क्या लगेगा जी 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 समझ में आ गई इन दोनों की डिफरेंस मीनिंग सेम इसके मीनिंग हाउ मेनी हाउ मच इस तरह बोल सकते हो लेकिन फर्क क्या है लिमिटेशन का फर्क है चलिए जी मसला नहीं है किसी को गॉट नेक्स्ट वाला है कन वो तू हाउ द ता 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 इसके दो डिफरेंट मीनिंग्स है फर्स्ट जो मीनिंग इसने जो हमें टेक्स्ट में दी है उम्र के उसमें आ जाती है जब किसी से कोई एज पूछता है आप कितने उम्र के हैं तो उस टाइम भी ये लोग आप कितने बड़े हैं उस तरह की मीनिंग आ जाती है आगे इसने मीनिंग दी है ओल्ड ये मीनिंग भी ठीक है एक और मीनिंग है इसकी ता इसकी जो दूसरी मीनिंग है बिग समझ में आ रही मेरी बात Big, B-I-G. अच्छा big. जी big. एक big हो गया, एक old. जब उम्र पूछना हो, उम्र पूछते हैं, उसमें भी ता लगता है. अगर कोई बंदा बताना चाहता है कि कोई चीज बड़ी है, बड़ी चीज है, तो उसमें भी ता लगता है. समझ में आ गई? जी. सही तो ये भी है. जो सुई है, वो एज के लिए वैसे यूज करते हैं. वो मैंने बताया था ना कल. वो तो आंसर में आ रहा है
आंसर में आ रहा है जी, जब कोई एज वगैरह पूछे कितना बड़ा है तो फिर वो हम ये यूज करेंगे जी। तो ये तो ईयर के लिए आ रहा है ना, ये ओल्ड या बिग के लिए आएगा तक। हाँ, स्वी जो है ना वो समझो जैसे ईयर पूछ नंबर्स, नंबर्स के फौरी बात स्वी ने लाजमी लगना है। अगर आप लोग डायरेक्ट नंबर्स बोलोगे तो उनको समझ में नहीं आएगी चीनी को, तो नंबर के फौरी बात आप लोग स्वी बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि आप लोग इतने साल के हैं और आप अपनी उम्र बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो नीचे ता है मतलब नंबर के फौरी बात ता आ जाएगा तो वो किसी चीज के लिए लगेगा, मतलब इंसान की किसी उम्र की बात नहीं कर रहे हो, मतलब किसी चीज के बारे में पूछ रहे हो कि आप ये चीज आपके घर आए हुए कितना अरसा हुआ, तो आप लोग उसमें बोल सकते हो कि तकरीबन अब नंबर्स में नहीं पढ़ा आपको 20 साल पुराना 30 साल पुराना उस तरह भी बता सकते हो। सही है, ठीक है, चले जी। सही तू इपिया शंक्स न्यू वर्ड्स तो चले जी। ये जो तो एंड ता जो हमने भी पढ़ा ना, टेक्स एक दफा हम टेक्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को टोटली क्लियर हो जाएगा। तो आ जाए जी साइड टेक्स की तरफ। टेक्स आप सबने ओपन किया? जी सर। यस सर। गुड। टेक्स की तरफ आ जाए। टेक्स में जो सबसे पहले है किसी बंदे टीचर का नाम है ली लाओशियर। ये किसी टीचर का नाम है चीनी टीचर का, ठीक है। तो उसकी उम्र के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। कन वो तू चिंता शंग तू इची तू इची तू इची तू की मीनिंग क्या बताया तुमने?李老师多大了？जो सिर्फ ली है ये नाम है, ठीक है। आगे जो लाओशिर है उसकी मीनिंग मैंने आप लोगों को बताई, टीचर या प्रोफेसर। जो आज हमने पढ़ा तो ताला मींस कि जब तो लगा रहा है तो हम मतलब इसमें हमने समझना चाहिए कि ये किसी बड़े बंदे की बात हो रही है, उम्र के लिहाज से कोई बड़ा बंदा है। इससे पहले वाले टेक्स्ट में हमने पढ़ा था चीसुईला। चीसुई मतलब उसमें फौरी क्लिक हो गया कि बंदा कितना मतलब छोटा उम्र का कोई बंदा है, 10 साल 8 साल 7 साल उस तक कोई छोटे बंदे की बात हो रही है। तो और ची में ये फर्क है। तो नीचे आ जाए आंसर देखें। कन वो तो हाचिनियन उशिर सुइला। हाचिनियन उशिर सुइला। उशिर सुइला। उशिर सुइला। गुड। उशिर सुइला। ये जो था है वो फीमेल वाला था है, तो इससे पता लग गया ली लाओशी जो है एक फीमेल है, ठीक है। ली दोबारा पढ़ें। था चीन नियन उशिर सुइला। था चीन नियन उशिर सुइला। था चीन नियन। था चीन नियन उशिर 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 सुइला। उशिर सुइला। गुड। उशिर बोलते हैं 50 को, बाकी वाले आप सबको आते हैं। था जो है वो फीमेल वाला है, सबको सही से याद है। चीन नियन किस साल पढ़ा था? यस दिस ईयर। दिस ईयर।
Usher. 50. Usher Sui. Usher Sui. 50 years. Good. Usher Sui la. Ye is sal. 50 years ki ho gayi hai is sal. Kyunki aage la laga hua hai. La kya represent kar raha tha? Past ko. Past ko. Jo guzar jaye. Matlab all already ye 50 years ki ho chuki hai. Theek hai? Zai tu EPN. Li lao shi to ta la. Li lao shi to ta la. Ha jin nian wu shi sui. Ha jin nian wu shi sui. Sui la. Ha jin nian wu shi sui la. Ha jin nian wu shi sui la. एक और मजे की बात, अगर हम ला ना लगाएं तो कैसा होगा? था चीनियन उशिर सुई, इसकी मीनिंग क्या होगी? मतलब यही होगा ना कि इस ईयर वो 50 इयर्स की होने वाली है, होने वाली है, हुई नहीं है अभी तक, होने वाली है दिस ईयर। ला लग गया, ऑलरेडी हो चुकी है, हो चुकी है। गुड, यही फर्क है ला ला सेंटेंस में, ला के होने और ना होने में। ठीक है, चले जी नीचे आ जाए। इन दो सेंटेंस में किसी को मसला? नो सर। उशिर किस चीज को बोला था हमने? 50 को। गुड, चले जी नीचे आ जाए। सेकंड डायलॉग किसका? था न्यूयॉर्क ना। था न्यूयॉर्क ना। था न्यूयॉर्क ना। गुड, बता रहा हूँ इसको। अब नीचे ने लास्ट टाइम में पढ़ा था नीना, जी याद है? जी याद। किस चीज के लिए पढ़ा था? जब वो पढ़ा था हमने, जी सर, ना का हमने पढ़ा था कि अबाउट यू। हाँ जी, तो ये फौरी बात उसकी बेटी की उम्र पूछ रही है जी। नी था यूर ना, उसकी बेटी कितने साल की है? तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ऊपर वाला सेंटेंस नीचे वाले सेंटेंस से रिलेट कर रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन सेकंड वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, क्वेश्चन को कंटिन्यू रख रही है बंद जो सामने क्वेश्चन पूछ रही है। तो पहले उसने लीला औषधि के बारे में पूछा, नीचे फौरी बात उसने पूछा उसकी बेटी की उम्र क्या है। तो नीचे सेंटेंस में तो उसको बोलना चाहिए था न्यूयॉर्क चीनी तोता, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, लेकिन चीनी जबान में इस तरह नहीं होता। फर्स्ट चीनी में नहीं, तकरीबन सारे जबानों में इस तरह नहीं होता। सबसे पहले हमारी उम्र पूछते हैं, मतलब आपके अब्बा की उम्र क्या है, उसके बेटे की, इस तरह होता है ना उर्दू में भी। जी जी जी। सेम उसी तरह चीनी में भी है, उस तरह हम चीनी में किस तरह बोलेंगे? था न्यूयॉर्क ना। था न्यूयॉर्क ना। गुड, इसको मजीद एक्सप्लेन की जरूरत है? कोई ऐसा बंदा जिसको ये समझ में ना आए? तादिया जी आ रहे हैं। इसकी मीनिंग क्या होगी? था न्यूयॉर्क ना। व्हाट अबाउट हर डॉटर? गुड, चलिए जी आंसर की तरफ आते हैं। था न्यूयॉर्क चीनियन अर्शी सुई। था न्यूयॉर्क चीनियन अर्शी सुई। गुड, था न्यूयॉर्क समझ में आ गई ये सेंटेंस आप लोगों का? क्या बता रहे इसमें? मतलब कि उसकी बेटी इस साल जो है वो 20 साल की हो जाए। गुड, था न्यूयॉर्क चीनियन अर्शी सुई। था न्यूयॉर्क चीनियन अर्शी सुई। गुड, नेक्स्ट आ जाए। दोबारा एक बार, मतलब पैराग्राफ में किसी को मसला तो नहीं है यहाँ आने में? नो सर। कोई वर्ड या कोई सेंटेंस समझ में ना आई हो? सही है। चलिए जी再读一遍，请大声读。好的。李老师，跟我读，跟我读。好的，好的。
李老师多大了？李老师多大了？啊，今年五十岁了。啊，今年五十岁了。他今年五十岁了。今年五十岁了。Good。他女儿呢？他女儿呢？他女儿今年二十岁。今年二十岁。आप लोगों ने नोटिस किया ऊपर वाले डायलॉग में ला लगा हुआ था, नीचे उसमें ला नहीं लगा है. जी जी. तो डिफरेंस का पता लग गया? जी पता चल गया. मतलब एक ऊपर वाली ली लाओसी हो चुकी है कैप्टन और उसकी बेटी होने वाली है. जी. तो देखिए ला लगने से कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है. तो ला की जो इस्तेमाल है यूजेज ये आप लोगों को समझ में आ गई मेरे ख्याल से. जी चलिए एक दफा फिर रीड करते हैं टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू एंड टेक्स्ट थ्री, उसके बाद फिर एक्टिविटी. ठीक है? ओके ओके जी. चलिए जी टेक्स्ट वन मेरे साथ पढ़े एक दफा. नीचा योची खोरन. नीचा योची खोरन. खोरन वो चा यो सं खोरन. वो चा यो सं खोरन. वो चा यो सं खोरन. नी न्यू अर जी सुई ला. नी न्यू अर जी सुई ला. ता जिन नियन सी सुई ला. ता जिन नियन सी सुई ला. सी सुई ला. सुई ला.你家在李老师多大了？李老师多大了？多大了？多大了？多大了？多大了？多大了？他今年五十岁了。他今年五十岁了。他女儿呢？他女儿呢？他女儿今年二十岁。किसका ला और ना का? मेरी रीड मतलब डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास. ला और ना तो टोटली अलग सी चीजें हैं. ला जो है वो डिफरेंस पूछ रही हूँ. वही तो बता रहा हूँ मैं. ला जो सेंटेंस के हमेशा लास्ट में लगता है और वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है. जी समझ में आ गई है. जी इधर एग्जांपल दी हुई है. एक सेंटेंस में हमने पढ़ा था लाउश ली लाउशी तोता ला था जिन्हें उसी सुई ला, मतलब वो 50 साल की हो चुकी है. नीचे एक और सेंटेंस है था न्यूअर जिन्हें उसी सुई, उसमें ला नहीं लगा है. जी तो मतलब वो इस साल 20 साल की होने वाली है. उससे ऊपर जो ना नहीं लगा है, ना जो है ना एक्सप्रेशन है सिर्फ, इसकी कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है? जी सिर्फ ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की कोई मीनिंग नहीं होती है. ठीक है? ठीक है? जी. ये लास्ट क्लास जब हम फर्स्ट उसमें पढ़ रहे थे उसमें आप नहीं थे मेरे ख्याल से. वो क्लास आपने नहीं ली थी. क्लास कोचिया वाला. हाँ निशिर नागा कोचिया था जो हमने पढ़ा था. निशिर नागोरन जो हमने पढ़ा था उस क्लास में थी आप? जी उसमें हमने पढ़ा था. उसमें नीना आ रहा था एक दफा. जी सेम वही है ये भी. तो क्वेश्चन को ये कंटिन्यू करता है ना लगने से. चलिए जी कहाँ तक पढ़ा? जी सर अगर हमने ये बोलना हो सेंटेंस के वो तुम्हारी क्लास मेट थी तो जैसे उसके अंदर एंड में ला लगा देंगे जैसे था शी वो थंक्यो ला था. नहीं ये सेंटेंस पूरा ही दूसरा बनता है. था जो को वो थंक्यो ला इस तरह बनेगा सेंटेंस. हमने अभी तक
वो वाला पढ़ा ही नहीं है वर्ड खाजो को वो थोंग शुएला she had been my classmate इस तरह का कोई बंदा ना मेरे ख्याल से जी चले जी और कोई सवाल किसी को पूछे पूछे कोई मुश्किल नहीं एक्टिविटी स्टार्ट चले जी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो नहीं एक और क्वेश्चन हमने तकरीबन नंबर्स पढ़े चाइनीज के पढ़े नहीं लेकिन इस टेक्स्ट में पढ़ा कौन कौन सा नंबर हमने पढ़ा याद है जरा जी सन पढ़ा था थ्री और फिफ्टी पढ़ा था और ट्वेंटी पढ़ा था सिल पढ़ा था और अर्शिल पढ़ा गुड सबको याद है ना यार जी सर ठीक है चलो जी आ जाए एक्टिविटी की तरफ कितने स्टूडेंट हैं चार ही हैं ना आप सब चलो जी कायनात और राबिया जावेद आप दोनों हमेशा की तरह पहले एक बंदा ए फिर बाद में दूसरा बंदा ए बनेगा टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू एंड टेक्स्ट थ्री पढ़ना ठीक है चलिए जी स्टार्ट मैम पहले ए पढ़ लेती हूँ नीचा योची कोरन जबरदस्त चलो जी नेक्स्ट किस किसने पढ़ा एना एंड सादिया जी सर चलो जी पहले मैं ए बन जाती हूँ नीचिया योची खोरन नीचिया योची खोरन नीचिया योची खोरन गुड वोचा यू सन खोरन सन खोरन सन खोरन गुड आगे है नी न्यू यू आर ची सुइला你女儿几岁了？你女儿几岁了？我今年四岁了。他今年四岁了。他今年四岁了。
Susuila. रीडिंग के टाइम पे ट्यून्स पे जरा जरा सा बोल देना बस. ओके. आगे पढ़ो. जी जी कंटिन्यू. लीला उसे त्वातालम त्वातालम. लीला उसे त्वातालम. लीला उसे त्वातालम. गुड. सादिया प्लस में डिस्कनेक्ट नहीं हुआ इसका. चले आप खुद ही रीड करें. थाची नियन बोशे सोला. फिर है थानी थान्यूअर ना थान्यूअर ना थान्यूअर ना थान्यूअर ना You are 20 years old. Good. आगे तो, उसका बी भी पढ़ दूं मैं जो बी मिले रह गया था. क्लास में नहीं है अभी तक. सादिया आ गई है वापस. सादिया चली गई. चले जी ठीक है बस रहने दे है ना. ठीक है तो हम आगे कंटिन्यू करते. मैंने बताया था कल के हिसाब से नंबर्स अभी पढ़ने हमने. नंबर्स की एक दफा रीडिंग करेंगे उसके बाद फिर एक छोटी एक्टिविटी है जिसमें मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछना है और आप लोगों ने आंसर्स देने. ठीक है लेकिन वो क्वेश्चंस में वन बाय वन पूछने वाला हूँ. ठीक है सही है. तो आज एक स्टूडेंट ने भेजा था ग्रुप में जी. वो जरा ओपन करें. बहुत अच्छा काम किया जिसने भी भेजा है. सादिया ने भेजा था जी. चलो जबरदस्त. चल जी वो ओपन करें वही उसी का इस्तेमाल करते हैं. ये जो ये सादिया ने लिखा ना ये जो दो डॉट्स लगाए ये किस चीज के डॉट्स हैं. डॉट्स का तो कोई सीन ही नहीं है. सिर्फ यू के ऊपर जो दो डॉट्स हैं सिर्फ उसके ऊपर ही है और किसी के ऊपर नहीं है. डॉट नहीं होता एक सिर्फ लाइन में है. लाइन है छोटी सी. हाँ लाइन को लाइन ही डालें. ठीक है सर दोबारा से पढ़ो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है. तो बता रहा था मैं अभी हम नंबर्स पढ़ रहे हैं जी. तो नंबर्स की जो रीडिंग में ये जो सादिया ने जो भेजा है ग्रुप में उसमें उसने ई के फौरी बाद जो फर्स्ट ट्यून नहीं है उसको उसने दो डॉट्स से रिप्रेजेंट किया है. इस तरह नहीं होता. जो टू डॉट्स हैं वो सिर्फ यू के ऊपर जो हमने यू आर सिर्फ उसके ऊपर दो डॉट्स हैं बाकी किसी वर्ड के ऊपर नहीं है किसी अल्फाबेट के ऊपर नहीं है. तो काइंडली जो फर्स्ट ट्यून है वो एक छोटी सी लाइन है लंबी से तो कोशिश करें वो लाइन डालने. ठीक है इसकी वन वाले की तो बात कर रहे हैं जिसकी नहीं टोटली जहां जहां भी आपको फर्स्ट ट्यून होगा उसमें तो लाइन नहीं होना है. इधर आपने दो डॉट्स लगाए हैं तो दो डॉट्स नहीं होते हैं. मतलब लाइन लगेगी डॉट्स नहीं लगेंगे. नहीं नहीं डॉट्स नहीं लगाना. डॉट सिर्फ उसमें यू के ऊपर जो सिर्फ यू जो हमने पढ़ा था यू सिर्फ उसके ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है. ठीक है ठीक है इस तरह फिर जी. दो डॉट्स वाला ये रीडिंग टोटली चेंज हो जाएगी. सर पढ़ चले जी. चल मैं कन हो तू हाउ द लिंग जीरो को बोलते हैं. मेरे ख्याल से मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है. साथ दी हुई है जी. लिंग लिखा हुआ है तो सारे ये होमवर्क चेक करें साथ एक वाला. ठीक है जी. मैं भी वही यूज कर रहा हूं इस टाइम.
बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी ठीक है। तीन ही थे ना मेरे ख्याल से आप लोग क्लास में? चार थे। चौथा कौन था? काइमा तो आ गई है, एना सफर नहीं आ गया। चल ये आवाज आ रही है आप सबको? कंटिन्यू करते हैं अपना, ठीक है? वहीं सादिया वाला होमवर्क ओपन करें आप सब। सादिया आपका बहुत शुक्रिया अपने ग्रुप में सेंड किया। तो चले जी, पहला वाला पढ़ा था हमने, लीन लीन जीरो, लीन की मीनिंग जीरो। नेक्स्ट वाला वन को, ठीक है? नेक्स्ट वाला है अर, 14 के साथ अर, अर 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 की जो मीनिंग है टू, टू दो को बोलते हैं। नेक्स्ट वाला है सान, सान 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 थ्री को बोलते हैं। दोबारा एक दफा लीन 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 ई ई अर 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 सान सान ई अर सान ई अर सान। गुड, मैं अक्सर बोलता हूँ वन टू थ्री स्टार्ट, आज के बाद मैं कोशिश करूंगा ई अर सान स्टार्ट, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट वाला तो एक और मजे की बात, चाइनीज जबान में अगर स को ऊपर हम लोग अगर फर्स्ट ट्यून लगाएं, अभी स फोर्थ ट्यून लगा हुआ है, अगर इसके ऊपर हम फर्स्ट ट्यून लगाए तो इसकी मीनिंग होती है डेथ। समझ में आ गई? तो कोशिश करें तो इसको फोर्थ ट्यून को फोर्थ ट्यून ही पढ़े, अगर गलती से आप लोग ट्यून चेंज करते हो तो फजूल में किसी की जान चली जाएगी। तो कोशिश करके स, अगर आप लोग स बोलोगे स बोलोगे स बोलोगे तो मीनिंग टोटली चेंज है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वाला फोर को बोलते हैं स। नेक्स्ट उ उ उ उ उ फाइव को बोलते हैं, सही? ठीक है, ई अर सन स उ E R San S U E R San S U meaning kya hai inke? 1 2 3 4 5 uske baad liu Liu. 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 Six को बोलते हैं। जी. Six को बोलते हैं Liu. Fortune लगा हुआ है Liu. Next आ जाएं। Liu. Liu. Chi. 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 Chi.
किसको बोलते हैं छी सेवन को सेवन को बोलते हैं नेक्स्ट वाला पा 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 किस चीज को बोलेंगे पा एट एट को ठीक है ल्यू छी ल्यू पा ल्यू 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 पा ल्यू छी पा ल्यू छी पा एक और मजे की बात पा के ऊपर कौन सा ट्यून है फर्स्ट ट्यून है अगर इसके ऊपर हम लोग थर्ड ट्यून लगाएंगे तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी आप लोगों को पता है पापा सही बाप वाला जो फादर तो वो फादर बन जाएगा सही ठीक है जी इसके ऊपर थर्ड ट्यून लगा तो फिर ये फादर बन जाएगा तो इसको फर्स्ट ट्यून में ही रखना है पा पा, पा। ल्यू छी पा ल्यू छी पा छी पा 6 7 8 नेक्स्ट 9 आ रहा है चियो 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 एक और मजे की बात के ऊपर कौन सा ट्यून है थर्ड थर्ड अगर इसके ऊपर फोर्थ ट्यून लगेगा तो इसकी दूसरी मीनिंग बनेगी इसकी मीनिंग बनेगी पुराना बहुत ओल्ड कोई सा भी ओल्ड चीज हो जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ता उसकी मीनिंग और जो चियो उसकी मीनिंग एक पुराना हो गया और एक कितना बड़ा या जिस उस हिसाब में आ रहा है लेकिन जो अभी वाला जो चियो इसकी मीनिंग पुराना में आती है तो हम प्राण को इंग्लिश में क्या बोल गया ओल्ड ही हो जाएगा हाँ सर वो जो एल्ड है वो एज में नहीं आएगा ओल्ड हाँ वो एज में आएगा बिल्कुल जी और ये कितना पुराना है मतलब नया पुराना जो होता है जी 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 बिल्कुल okay. ये टोटली मतलब इंग्लिश में क्या बोलना मुझे पता नहीं दिमाग में नहीं आ रहा बस ओल्ड ही हो जाता ना उसकी मीनिंग पुराना ल्यू छी पा चियो ल्यू छी पा चियो चियो गुड चियो मतलब नाइन नेक्स्ट शिर 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 एक और मजे की बात इससे पहले हमने एक और शिर पढ़ा है याद है साउंड सेम है लेकिन डिफरेंट कैरेक्टर साउंड डिफरेंट बट डिफरेंट कैरेक्टर्स ठीक है रीडिंग सेम है इनकी लेकिन डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं इज और टेन में तो बड़ा फर्क है एक तो नंबर है एक ग्रामेटिकल है तो आप लोग समझ सकते हो चले जी शिर शिर बोलते हैं टेन को सही ठीक है आ जाए जी ई आर सन स ई आर सन स वो ब्यू ची पा चोल सी चल एना पढ़े अकेला जी ई आर सन स वो ब्यू दोबारा दोबारा स अच्छा स स वो 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 ल्यू 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 ची 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 पा ज्यू 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 बोलते आपने प्राण कर दिया चियो थर्ड ट्यून आ रहा है चियो शिर 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 गुड चले राबिया राबिया जावेद
वो थर्ड टू वो विल ची बा जियो जियो श गुड चलो जी एना सफर जी सर चलो जी रीड दोबारा पढूं आपने पढ़ा था अभी जी अभी पढ़ा था हां सॉरी सॉरी गलती से मैंने आपको बोला कायनात अर गुड नेक्स्ट कौन सादिया जी सर लिंग ई अर सान सी वो ल्यू स स गुड वो ल्यू ची पा चियो शी श स गुड तो मजे की बात स स है इसमें आई आ रहा है ना मतलब ई आ रहा है तो स के सी तो फर्स्ट ट्यून कैसे पढ़ना चाहिए फर्स्ट ट्यून की वजह से वो हम तेज पढ़ रहे हैं तो उस वजह से उसमें ई की आवाज थोड़ी फास्ट जा रही है स स ई की आवाज निकल रही है इसमें ठीक है स मतलब तेजी के साथ पढ़ना ना हमने उस वजह से मतलब सिर्फ स की आवाज निकल रही ऐसा लग रहा है हम सिर्फ एस को पढ़ रहे हैं ठीक है लेकिन फोर्थ ट्यून को अगर देखो इसमें थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था इसके ऊपर अगर फर्स्ट ट्यून लगेगी तो कैसे पढ़ेंगे स तो इसमें आ रही ई की आवाज आ रही है बिल्कुल वाजे आ रही है ठीक है तो हम स पढ़ रहे हैं तो सही स्पीड के साथ पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसा हम आई को हम स्किप कर रहे हैं लेकिन स्किप नहीं हो रहा इसमें ठीक है चले जी सपने जी इसके अलावा कुछ पढ़ना है अभी एक एक्टिविटी है क्लास में एक एक्टिविटी है जो मैंने आप लोगों से वन बाय वन क्वेश्चन पूछने हैं अगर आप लोग चाहते हो तो नहीं तो फिर कल पूछेंगे पूछ लीजिएगा सर आज थोड़ी मेरे ख्याल तकरीबन जो आज हमने पढ़ना था तकरीबन पढ़ लिया हमने जो इम्पोर्टेंट था हमने 1 से लेके 10 तक नंबर्स याद करने थे जो आप सबने याद कर दिया मेरे ख्याल से मजे की बात 1 से 10 एक सेकंड दो मिनट रुके आप 1 से लेके 10 तक अगर आप लोगों को याद हो गया तो आप इजिली 10 से लेके 100 तक पहुंच सकते हो ठीक है ये टेक्निक मैं कल बताऊंगा आप लोगों को 10 से लेके 100 तक कैसे पहुंचना है इजीली ठीक है चलिए जी आज के लिए फिर किसी को कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफी है आज के लिए यस सर टेक्स्ट भी थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन आप लोगों ने सही हैंडल किया माशाल्लाह आप लोग सही जा रहे हो अच्छी स्पीड में तो कोई क्वेश्चन किसी को नहीं है तो फिर शक ओके जी अल्लाह हाफिज़